हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तोमर विद्यागुलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के वर्गमूल के टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल क्या होता है आप तो पहले ये समझ लीजिए। देखिए, वर्गमूल अब मैंने पिछली क्लास में आपको वर्ग करना बताया था। वर्ग करने में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है उसका मैंने बताया कि अगर उसी नंबर से गुणा कर देते हैं तो इसको हम इस तरह लिख करके इस तरह लिखते हैं, 3 की घात लगा देते हैं ऊपर, 2, 3 की पावर 2 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो होता है वर्ग, ठीक है। और ये कितना आ जाता है, 3 टिका कितना होता है, 9, तो ये हो जाता है 9। तो वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है इसको पुनः इसी फॉर्म में लिख देना, यानी ये जो 9 है किसका वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो बस ये कहलाता है वर्गमूल। तो वर्गमूल का साइन क्या होता है, देखो वर्गमूल का ऐसा सिंबल होता है, ये ऐसे करके ऐसे लगा होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ 2 अंदर इस डब्बा के अंदर 2 छुपा होता है। अगर नहीं भी लिखा है तो आप समझ लीजिए इसके अंदर 2 छुपा है, अदरवाइज लिखा है तो फिर आप तब भी कहेंगे कि 2 है। मतलब क्या होता है ना कि 2 के पेयर बनाने होते हैं, 2 के पेयर जोड़ा बनाना होता है, जोड़े में से एक बाहर आता है। तो देखिए, 9 को हमने क्या ब्रेक किया, 3 × 3 में, 3 × 3 में, तो इस 2 का मतलब होता है कि 2 2 के आप जोड़े बनाइए। जैसे 2 का हमने एक जोड़ा बनाया, ठीक है। अब इस जोड़े में से अगर जोड़ा बन गया तो किसका जोड़ा बना, 3 का, तो बस जिसका जोड़ा बना वो 1 बाहर आ जाएगा, तो हमने क्या बार कर लिया, 3। तो ये दिखा देता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसी को हम बोलते हैं अंडर रूट यानी वर्गमूल। अब देखिए ये कितने तरीके से निकलता है, इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। तो आज की क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड विधि को देखेंगे, और अगली क्लास में मैं आपको डिवीजन मेथड से करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आप पहले समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेथड है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप 16 के वर्गमूल करिए, 16 का वर्गमूल निकालिए। तो आप कहेंगे 16 का वर्गमूल, अच्छा मतलब ये निकालना है मेरे को, तो फिर मैं 16 का वर्गमूल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। देखो, पहले एक ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर एक ऐसे लाइन खींचते हैं। अब इसको अभाज्य नंबर से भाग दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम फैक्टर नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने से ही कटते हैं, और सबसे छोटा अभाज्य नंबर होता है 2, ठीक है। फिर 2 के बाद आता है 3, देखिए 3 भी केवल अपने से ही कटता है, ये क्या किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर कौन आता है, 5, फिर कौन आता है, 7, फिर कौन आता है, 11, फिर कौन आता है, 13, और इस तरह से ही आते चले जाते हैं। तो जब तक काटते चले जाएंगे, जब तक संख्या पूरी पूरी कटती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए, बारी किसकी है, 2 की। तो देखिए, पहले 2 से काटते हैं, 2 से काटा कितनी बार भाग गया, 8 बार, 2 × 8 = 16। फिर किससे भाग किया, 2 से, क्योंकि अभी कट रहा है ना, तो जब तक काटेंगे जब तक कटता जाएगा। तो 2 से भाग लगाया कितनी बार गया, 4 बार, 2 × 8। फिर देखिए, 2 से भाग लगाया कितनी बार गया, 2 बार, 2 × 2 = 4। फिर देखिए, 2 से भाग लगाया कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है। अब जैसे ही 1 आ गया, बस यहीं ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमको पेयर बनाने हैं, यानी जैसे मैंने बताया था ना, जोड़ा बनाने हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए, जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो अब देखेंगे हम लोग ये जोड़ा बना। अब देखिए, पहला जोड़ा बना ये वाला, ठीक है। अब मैंने कहा जोड़े में से 1 बाहर होता है, तो 2 का जोड़ा है ना, तो 1 बाहर करिए, तो 1 2 बाहर हमने कर लिया, ठीक है भाई। फिर क्या है, ये 1 2 का जोड़ा बना, तो इसमें से भी जोड़े में से बस 1 ही बाहर आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये 1 बाहर आ गया। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो देखिए, 4 का वर्ग होता है ना 16, तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0 को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको एक चीज़ पता है ना कि पेयर में से 1 बाहर आ जाता है, तो अगर 2 0 लगे हैं, किसी में 2 0 लगे हैं, तो 1 0 बाहर आएगा। जैसे अब देखिए, ये 100 है, तो 100 क्या होता है, 10 × 10 होता है ना, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो पेयर 10 10 का जो 2 का पेयर बनेगा, तो 1 ही 10 तो बाहर आएगा। तो देखिए, 2 0 जो होता है, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1 0 बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए, अच्छा इसका वर्गमूल क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर दो जीरो में से एक जीरो बाहर आता है, तो चलिए आपने ये एक पेयर बना दिया, तो दो जीरो में से एक आप पहले लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपने कहा दो जीरो में से एक जीरो, तो एक जीरो बाहर आ गया। फिर ये देखिए दो जीरो में से एक जीरो, तो फिर ये आ गया, तो एक इसका इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ पाए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप 324 के क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो हम पहले 324 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले बारी किसकी होती है, देखिए दो से करते हैं, फिर तीन से, पाँच से, सात से, फिर किससे, 11 से, फिर 13 से, ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए दो से करेंगे, तो दो से भाग लगाया कितनी बार गया, दो एकम दो, दो छंग 12, दो दूनी 4। अब देखिए फिर दो से करेंगे, तो दो अट्ठे 16, दो एकम दो। अब देखिए ये दो से तो जाएगा नहीं, अब किसकी बारी है, तीन की, तो तीन से भाग लगाया, तो तीन दूनी 6, दो 8, तीन 7, 21। फिर तीन से भाग लगाया, 3 9 27। फिर देखिए तीन से भी भाग जाएगा, जब तक भाग जाता जाए, जब तक पूरा कटता जाए, देते चले जाइए, 3 3 9। फिर देखिए तीन से भाग जाएगा 1। बस इतना काम हो गया। अब आपकी बारी है पेयर बनाने की, ठीक है, जोड़े में से एक बाहर निकालने की। तो अब देखिए जोड़ा बनाएंगे हम लोग। देखिए एक ये जोड़ा बना, तो इस दो में से एक दो बाहर आ गया, ठीक भाई। एक ये जोड़ा बना, तो दो तीन में से एक तीन बाहर आ गया, ठीक है। फिर ये एक जोड़ा बना, तो इन दो तीन में से एक तीन बाहर आ गया। अब क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है, तो 3 3 9 2 18। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 324 का, 324 का स्क्वायर रूट हो गया 18। बात समझ पाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया। पॉइंट वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, आप पहले ये समझ लीजिए, ये हमने अवगणित सीखे वाली श्रृंखला में इन सारी बेसिक चीज़ों को बता रखा है। देखिए पॉइंट वाली चीज़ में क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है 0.0064, ठीक है, तो आप सबसे पहले काम ये किया करिए कि पॉइंट हटाइए। और जब पॉइंट हटाते हैं ना, तो जितने अंक के बाद, दाएं हाथ से जितने अंक के बाद दशमलव लगा है, उतने जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। तो जैसे देखिए ऐसे किया, डिवाइड का साइन लगाया, अब ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हट गया, तो कितने अंक के बाद नीचे दशमलव लगेगा, पहले एक लिख लीजिए, और कितने अंक के बाद, तो देखिए दाएं हाथ से कितने अंक के बाद इधर दशमलव था, तो दाएं हाथ से 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव था, तो आप नीचे कितने जीरो बढ़ा लीजिए, 4 जीरो बढ़ा लीजिए। इतनी बात समझ पाए। अब इसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए 0064 अगर मान लीजिए लिखा है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप 64 ही तो बोलेंगे ना, 64 के पहले कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में लगाओगे तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पहले लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये संख्या क्या लिखी है, ये संख्या लिखी है 64/10,000, यही तो संख्या लिखी है। अब इसका अंडर रूट निकालना है, इसका क्या निकालना है, रूट। तो जब इसका रूट निकालना है, तो देखिए ऊपर वाले का रूट निकालेंगे और नीचे वाले का रूट निकालेंगे, तो नीचे वाले का रूट क्या आएगा, तो अभी हमने बताया है कि दो जीरो में से एक जीरो बाहर, तो एक हमने पहले लिख लिया, और दो जीरो में से एक जीरो बाहर, तो ये एक जीरो आ गया, फिर दो जीरो में से एक जीरो बाहर, तो ये एक जीरो आ गया। अब ऊपर 64 का भी अंडर रूट निकालना है, तो 64 का अंडर रूट कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है, तो आप पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो पहले हम किससे भाग लगा लें, दो से, दो तीन 6, दो दूनी 4, अभी दो से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, दो से, दो एकम दो, दो छंग 12, फिर देखिए दो से जा रहा है, दो अट्ठे 16, फिर देखिए दो से जा रहा है, दो चौको 8, फिर देखिए अभी दो से जा रहा है, दो दुनी 4, फिर देखिए दो से जा रहा है, दो एकम दो, ठीक है। जब तक एक ना जाए, अब तब तक भाग आपको देना है, ठीक है ना। अब देखिए अब जोड़े बनाइए। जोड़ा सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, देखिए पहला जोड़ा ये बना, तो एक दो बाहर आ गया, ठीक है भाई। फिर ये एक जोड़ा बना, तो आप देखेंगे कि फिर एक दो बाहर आ गया, फिर ये एक जोड़ा बना, तो फिर ये एक दो बाहर आ गया। इन सबको आपस में गुणा कर देंगे, तो दो दुनी 4 दुनी 8। बात समझ पाए। तो ये इसका वर्ग कितना आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 8। तो ऊपर आपने लिख दिया 8, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका आंसर क्या है, आप समझिएगा ज़रा। क्वेश्चन इस फॉर्म में था, दशमलव के फॉर्म में, तो आंसर को भी आपको दशमलव में ही लिखना होता है। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, देखिए
नीचे साइड हमने क्या किया था, ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव था उतने नीचे जीरो बढ़ाए थे, तो अब नीचे जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो जैसे देखिए 8 लिखा और यहाँ कितने अंक के बाद जीरो है, तो 1 2, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो देखिए 2 अंक के बाद, तो अभी तो हमारे पास एक ही अंक है, तो एक अंक कहाँ से लाएं, तो एक आप अपनी तरफ से जीरो बढ़ा दीजिए और फिर आप लगा दीजिए दशमलव। तो ये आंसर क्या आया, 0.08। बात समझ पाए, आंसर क्या आया, 0.08। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 0.08। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, वर्गमूल निकालिए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उन वर्गमूल को निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम आपको डिवीजन मेथड से बताएंगे कि किस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को करते हैं, और उसमें कहता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप एकेडमिक हों या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो आपने देखा होगा इस तरह के प्रश्न आपको काफ़ी मिलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जोड़ें जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए, कौन सी संख्या घटाएँ जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से चीज़ें पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।